तो आप में से बहुत सारे लोगों ने 2022 में सोचा होगा कि यार इस साल इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, अगले साल से पक्का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो 2023 आ चुका है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का टाइम भी आ चुका है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स, जिनमें आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका वेल्थ लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो इस लिस्ट में इंडेक्स फंड भी है, इस लिस्ट में स्मॉल कैप फंड्स भी है, और तो और इस लिस्ट में हमने ELSS फंड्स को भी ऐड किया है, यानी कि टैक्स सेविंग फंड्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपके लिए कौन सा फंड सही है ये समझ के जरूर इन्वेस्ट करना। लेकिन उससे पहले, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इन 4 म्यूचुअल फंड्स में से 3 म्यूचुअल फंड्स में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो खुद का एनालिसिस कीजिए, मैं बस आपका शॉर्ट लिस्ट करने का काम कर रहा हूँ कि हाँ इन म्यूचुअल फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है हमारा इंडेक्स फंड। जी हाँ, इंडेक्स फंड हम सबको पता है, इंडेक्स फंड जो है वो इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इंडेक्स फंड में मेन 2 तरीके का इंडेक्स फंड होता है, पहला होता है सेंसेक्स इंडेक्स फंड, दूसरा होता है निफ्टी इंडेक्स फंड। अब देखो, जो निफ्टी इंडेक्स फंड्स है उसमें हम सबको पता है 50 कंपनी होता है, कंट्री के जो टॉप 50 कंपनीज है वो होते हैं। दूसरी तरफ जो सेंसेक्स है उसमें कंट्री के टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि मुझे कैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आप निफ्टी की तरफ जा सकते हैं, वहीं पे अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो चाहिए तो आप सेंसेक्स की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि निफ्टी थोड़ा डाइवर्सिफाइड है तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी आपको सेंसेक्स से 0.2 या 0.3% रिटर्न कम दे सकता है, या फिर 0.5-1% का रिटर्न में भी फर्क आ सकता है। लेकिन मोर ओवर इन दोनों का रिटर्न लगभग सेम रहता है, तो आप वही सभी एक रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड कंपनी का एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड और थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो लेना है तो आप सेंसेक्स की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल मतलब डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आपको सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच अपनाना है तो आप निफ्टी की तरफ जा सकते हैं। बाय द वे, निफ्टी वर्सेस सेंसेक्स इंडेक्स फंड के ऊपर मैंने एक बढ़िया वीडियो अपलोड करके रखा है चैनल पे, यहाँ पे आई बटन में लिंक में आप जाके देख सकते हैं। तो इंडेक्स फंड में आपको एक बढ़िया कंपनी चूज करना है, और तो और आपको ये चूज करना है कि क्योंकि सब इंडेक्स फंड मोर ओवर सेम ही होता है, सब लोग वही करते हैं कि इंडेक्स को पूरी तरह कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे लाइक HDFC में जो इंडेक्स फंड है उसका रिटर्न ICICI से कुछ ज्यादा अलग नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस ढूंढना पड़ेगा कि किस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा कम है। हालांकि इंडेक्स फंड में क्योंकि ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड है तो इस पे बहुत कम म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि HDFC का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.2% है और वहीं पे ICICI का 0.1%, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ICICI की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें आपको 0.1% का एक सेविंग मिलेगा, और ये परसेंटेज लॉन्ग टर्म में 30 या फिर 40 इयर्स में जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो ये अमाउंट 10 लाख से 20 लाख इतना ज्यादा डिफरेंस ला सकता है आपके पोर्टफोलियो पे। एक इंडेक्स फंड आपको लेना है, उसका एक बढ़िया ब्रांड नेम होना चाहिए, और तीसरा आपको उसका एक्सपेंस रेशियो सबसे सस्ते में लेना है। हमारा सेकंड कैटेगरी है लार्ज कैप और मिड कैप फंड। इसमें मैंने बहुत सारा ढूंढने के बाद मैंने सोचा क्यों ना जिस फंड पे मैंने इन्वेस्ट करके रखा है पिछले 3 सालों में, और इस फंड में पिछले 3 सालों में मुझे लगभग 16% का CAGR रिटर्न दिया है, तो मेरे ख्याल से आपको इस फंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये फंड है नॉन अदर देन मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये फंड बहुत ही बढ़िया है। इस फंड को अगर हम देखेंगे, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68 है। ये एक एक्टिव फंड है। इसमें आपको बता दूं, इसमें फाइनेंशियल्स का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है, जो कि है 21.69। यानी कि आपका आप अगर 100 रुपीज़ लगा रहे हैं उसमें से 21 रुपीज़ तो फाइनेंशियल कंपनीज में लग रहे हैं, लाइक HDFC, उसके बाद ICICI, एक्सिस, ऐसे कंपनीज में जो फाइनेंस के रिलेटेड, बैंकिंग, NBFC, इन सारे कंपनीज में लग रहा है। तो अगर आपको फाइनेंशियल में एक्सपोजर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो देश का इकोनॉमी जब भी ग्रो करता है, फाइनेंशियल सेक्टर भी ग्रो करता है, क्योंकि जब भी कंट्री में इकोनॉमी ग्रो हो रहा है उसके लिए लोगों को बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस के लिए लोग लोन लेंगे, और लोन कहाँ से लेंगे, NBFC, बैंक, इन सब से लेंगे, क्योंकि इन सब का जो मेन प्रॉफिट है वो लोन से ही आता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आपको फाइनेंशियल्स में कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की तरफ जा सकते हैं। इस फंड ने मुझे पिछले 3 साल में लगभग 16-18% का, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, उतना परसेंट का रिटर्न मुझे दिया है। तो बहुत ही बढ़िया फंड है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो मैंने बताया 0.68 के आसपास है, और तो और इस पे आपको लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का एक्सपोजर मिलेगा। तो ये फंड मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एक अच्छा फंड बन सकता है। तो हमारा जो थर्ड कैटेगरी है वो है ELSS, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स,
जिन लोगों को नहीं पता ये टैक्स सेवर फंड है। टैक्स सेवर फंड हम सबको पता है कि हम सब 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन अपने इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं अगर हम ELSS फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत ढूंढने के बाद ELSS फंड में मैंने आपके लिए चुना है मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड। इसका अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 500 रुपीज़ से शुरू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें 3 ईयर का लॉक इन पीरियड है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आप 3 साल तक उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। तो उसी पैसे को इसमें इन्वेस्ट कीजिए जिसका ज़रूरत आपको अगले 3 साल तक नहीं पड़ने वाला है, नहीं तो इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि इसमें 3 ईयर का लॉक इन पीरियड है। और तो और इसका अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो 0.55 के आसपास है, और इसका अगर हम CAGR देखेंगे तो वो भी 13-14% के आसपास है। तो मेरे ख्याल से टैक्स सेवर फंड में 13-14% का रिटर्न आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रिटर्न हो सकता है। तो मेरा यहाँ से टैक्स सेवर फंड को आप ELSS फंड के कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। तो अब आते हैं मेरे जैसे थोड़े रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए, जिनको थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो पसंद है, कि मतलब थोड़ा सा स्मॉल कैप भी हो जिसके चलते ग्रोथ थोड़ा सा ज्यादा हो, उसके बाद फॉरेन स्टॉक्स का भी एक्सपोजर हो, तो उसके लिए मेरे पास है पराग पारेक फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.76% के आसपास। और तो और ये जो फंड है ये 28,000 करोड़ के आसपास मनी मैनेज करता है। यानी कि इसका जो फंड मैनेजर है राजीव ठक्कर सर, इनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा पैसा मैनेज करने का एक्सपीरियंस भी है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऊपर से इसके अंदर आपको फॉरेन कंपनीज का भी एक्सपोजर मिलेगा, लाइक Amazon, Facebook, Apple, इन सारे कंपनीज का भी आपको एक्सपोजर मिलेगा। और इसका अगर हम CAGR देखेंगे तो पिछले 5 साल में इसका CAGR 16.82% का रहा है। हालांकि रिसेंट मार्केट क्रैश था इसीलिए, वरना अगर हम कुछ दिन पहले देखते मार्केट क्रैश से पहले, मार्केट में जो करेक्शन आया है उससे पहले कुछ दिन पहले अगर हम इस फंड का 5 साल का डेटा देखते तो उसमें आपको दिखता है ये 20% तक जा चुका था। तो इसीलिए ये फंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि मैंने पर्सनली इस फंड में इन्वेस्ट किया है। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तो और इसमें जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ है उसका 16.59% फॉरेन में जाता है। यानी कि आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया है उसमें से सिर्फ 85 रुपीज़ इंडिया में इन्वेस्टेड है, रेस्ट 15 रुपीज़ वो आपका फॉरेन में इन्वेस्टेड है। यानी कि अगर इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है तो ये 15% आपके पोर्टफोलियो के लिए एक हेजिंग की तरह काम कर सकता है। तो ये था आज के 4 फंड्स जिन पे आप 2023 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाय द वे ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो खुद का रिसर्च कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।